ईश्वर कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे हाथों वो पुत्र मारा गया जो एक आदर्श पुत्र था, जो अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधों पर उठाकर तीर्थ दर्शन करा रहा था। ऐसा पुत्र संसार ने कभी नहीं देखा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। मेरे लिए कड़े से कड़ा दंड भी साधारण है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा, क्षमा नहीं कर सकूंगा। मैं इस योग्य तो नहीं, परंतु हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की ओर से अचानक धर्म संसद बुलाने का कारण समझ में नहीं आता। आश्चर्य तो मुझे भी है। राज्य के किसी कोने से किसी अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं है। लगता है महाराज आ रहे हैं। आश्चर्य है, रथ के स्थान पर अश्व पर क्यों आए हैं? आपके नेत्र साक्षी हैं कि आप कोई बहुत ही दुखद घटना देखकर आ रहे हैं। हां गुरुदेव, जो दुखद घटना मैंने देखी है उसके साक्षी केवल मेरे नेत्र हैं, किसी और ने यह घटना नहीं देखी। मैं एक पुत्र और उसके माता पिता की मृत्यु का उत्तरदायी हूं और धर्म संसद से दंड चाहता हूं। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पशु के धोखे में मैंने शब्द भेदी बाण चलाकर एक युवक की हत्या कर दी, और जब यह समाचार उसके नेत्रहीन माता पिता को मिला तो दुख के कारण उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। राजन, इस घटना का कोई साक्षी है? जैसा कि मैंने आपको बताया,
इस घटना के साक्षी केवल मेरे नेत्र हैं। फिर तो आप चाहते तो इस घटना को छुपा भी सकते थे। किससे? संसार से। और अपने आप से? क्या मैं स्वयं को विश्वास दिला सकता हूं कि श्रवण की मृत्यु मेरे शब्द भेदी वाण से नहीं हुई? क्या उसके नेत्र ही माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके? हे पंच परमेश्वर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को इस अनर्थ का उत्तरदायी समझता हूं और आपसे दंड चाहता हूं। हमें प्रसन्नता हुई राजन कि आपने धर्म संसद से कुछ भी नहीं छिपाया, परंतु वास्तव में आपने अपराध किया है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो धर्म संसद ही करेगी। हे ऋषि वशिष्ठ, आप धर्माधिकारी हैं, हम सबको आप पर पूर्णतया विश्वास है, आप ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकते हैं। नहीं ऋषि बोला, मैं महाराज दशरथ का कुलगुरु भी हूं, मेरे निर्णय पर शिष्य के पक्षपात का आरोप भी लग सकता है। आप जैसे महान ऋषि पर कौन पक्षपात का आरोप लगा सकता है? ऋषि वशिष्ठ, समस्त संसार आपकी महानता से परिचित है। ऋषि भारद्वाज, हो सकता है आज ये आरोप मुझ पर ना लगे, परंतु मैं भविष्य में भी किसी को आरोप लगाने का अवसर नहीं देना चाहता। इसलिए मैं महाराज से आग्रह करूंगा कि वे ऋषि पुलह, अत्रे, अंगिरा अथवा ऋषि भारद्वाज में से किसी को चुन लें और उन्हीं का निर्णय मान्य होगा। हे पंच परमेश्वर, ऋषि वशिष्ठ के अतिरिक्त आयु और तपोबल में ऋषि भारद्वाज को श्रेष्ठतम माना जाता है, इसलिए मैं ऋषि भारद्वाज को धर्माधिकारी नियुक्त करता हूं। आसन ग्रहण करें। हे राजन, समस्त वृत्तांत जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपने उन तीनों की हत्या का कोई निश्चय नहीं किया था। यह सत्य है कि श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण आपका ही वो शब्द वेदी बाण था, परंतु इसमें आपके निश्चय की कोई भूमिका नहीं थी। यह एक चूक थी जो किसी से भी हो सकती है। और रहा श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु का प्रश्न, तो यह सर्वथा स्पष्ट है कि वे दोनों अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु का कारण वो आघात था जो उन दोनों को उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर लगा था। इसलिए हे राजन, मैं आपको इस हत्या का अपराधी नहीं समझता, और क्योंकि आपने सत्य से कार्य लिया, इसलिए आपको किसी तरह का दंड देना भी अनुचित होगा। किंतु हे राजन, शब्द भेदी बाण सदैव ध्वनि को सुनकर चलाया जाता है, और यह ध्वनि किसी की भी हो सकती है, जैसा कि श्रवण कुमार के विषय में हुआ। इसलिए यह धर्म संसद आपको आदेश देती है कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे, और यही आपका प्रायश्चित होगा। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है। मैं इस निर्णय के समक्ष शीश नवाता हूं और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी वाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा।
स्वस्ते। की जय हो। महाराज आखिर से लौट आए हैं और किसी भी क्षण राजभवन में प्रवेश कर सकते हैं। महारानी सुमित्रा को सूचना दो और उनसे कहो कि मैं महाराज के स्वागत के लिए राजभवन के द्वार पर जा रही हूँ, वे भी वहीं आ जाएं। जो आज्ञा। और हाँ, महाराज के स्वागत के लिए दो दीप थालों की व्यवस्था की जाए, एक मेरे लिए और एक महारानी सुमित्रा के लिए। कोई भूल हो गई है क्या जो आप रुके बिना हमसे बात किए बिना अपने कक्ष में आ गए? क्षमा चाहता हूं महारानी कौशल्या, मैं बहुत थका हुआ हूं। केवल थके हुए नहीं महाराज, आप बहुत अधीर भी दिखाई दे रहे हैं। अधीर अवश्य था महारानी सुमित्रा, केवल थकान शेष रह गई है। मैं आप दोनों से क्षमा याचना करता हूं, इस थकान के कारण मुझे राजकीय शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रहा। महाराज, हमें तो केवल यह चिंता थी कि आप कहीं हमसे रुष तो नहीं है। नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हुआ, ये चिंता दूर हुई। महाराज अब आप विश्राम कीजिए, हम आपको अधिक देर तक जगाए नहीं रखना चाहते। सेवक। महाराज की जय हो। क्या है, महाराज को विश्राम करने दिया जाए? जो आज्ञा, किंतु पड़ोसी राजा तैके से कोई बहुत ही आवश्यक संदेशा लेकर आया है। कैके दूत के ठहरने का प्रबंध करो और उसे कहो कि महाराज प्रातःकाल से पहले किसी से नहीं मिल सकते। जो आज्ञा महारानी। ठहरो, कैके दूत से कहो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। जो आज्ञा। किंतु महाराज आप बहुत थके हुए हैं, उससे कल भी भेंट हो सकती है। नहीं महारानी, कैकेयी नरेश ने इतनी रात्रि को संदेशवाहक भेजा है तो अवश्य ही कोई आपात संदेश होगा। पड़ोसियों की पुकार का अंतिम अक्षर समाप्त होने से पहले यदि उनकी सहायता के लिए न पहुंचा जाए तो स्वयं को सभ्य कहना अनुचित है। मैं जाता हूं। Thank you.
महाराज की जय हो। मैं इतनी रात्रि को कष्ट देने के लिए क्षमा मांगता हूं। हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि महाराज कैकेयी को कोई कष्ट तो नहीं। कष्ट नहीं राजन, वो तो घोर संकट में है। क्या हुआ? लंकावती रावण ने सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना तो कदाचित दो दिन भी उसके आगे ठहर नहीं पाएगी। महाराज कैकेयी ने आपसे सहायता चाहिए है, और वो भी जितनी शीघ्र संभव हो। पड़ोसियों की सहायता करना हमारा धर्म है। कैकेयी नरेश से कहिए कि वे चिंता न करें, हम कल ही अपनी सेना लेकर उनकी सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। महाराज दशरथ की जय हो। कैकेयी नरेश, युद्ध टल सकता है, मानवव्रत मिट्टी में मिलने से रोका जा सकता है। तुम सर्वनाश के संकट से बच भी सकते हो, किंतु सबका केवल एक ही उपाय है कि तुम आत्मसमर्पण कर लो, मेरी प्रभु सत्ता स्वीकार कर लो और लौट जाओ यहां से, लौट जाओ। हम कहां से लौट जाएं लंकेश, हम तो अपनी सीमा के भीतर हैं। लौटना तो तुमको है जो अपनी सीमा छोड़कर हमारी सीमा में घुस आए हो। हम तो केवल अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा? तनिक अपनी सेना की ओर देखो कैकेयी नरेश, और फिर दृष्टि डालो मेरी सेना की ओर। मेरी सेना बाढ़ की रेले के भांति तुम्हारी सेना को तिनके की भांति बाहर ले जाएगी।
चिंता न करें कैकेयी नरेश, मैं आ गया। तो कैकेयी ने अपनी सहायता के लिए पड़ोसियों को भी बुला लिया। संकट के समय एक पड़ोसी की सहायता करना दूसरे पड़ोसी का धर्म है और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार करना मेरा धर्म है, रावण का धर्म। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या नरेश कि राज्य सीमाओं के विस्तार की इस योजना में कैकेयी के साथ आपने अयोध्या का नाम स्वयं जोड़ दिया। हे लंकेश, बलपूर्वक अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत है। अच्छा है कि सब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर फले फूले, यही शांति समृद्धि और सभ्यता की मांग है। मैं असुर हूं महाराज दशरथ, असुर। असुर सभ्यता और मानव सभ्यता कभी मिलकर कोई निर्णय नहीं कर सकते, केवल लड़कर कर सकते हैं। इसी कारण वार्तालाप में कोई लाभ नहीं। आक्रमण करो, आक्रमण! महाराज दशरथ सावधान। सावधान महाराज दशरथ तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रावण हूँ, रावण। जाओ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पो। आपको आदेश देती हूं कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। महाराज दशरथ, मैं यहां हूं। Ha 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 ha
संभालता हूँ। धन्यवाद वीर सैनिक। महाराज दशरथ चलो सारथी, चलो चलो। आगे बढ़ो। एक 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 Hey! 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 Hey!
रावण तुम्हारे साथ है। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, लंकापति रावण तुम्हारे साथ है। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। जाओ लंकेश, मैं एक पराजित नरेश को बंदी बनाकर उसे और अपमानित नहीं करना चाहता। बस इतना याद रखना कि जब भी अपनी सीमा पार करने का प्रयास करोगे तो अपमान और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। जाओ। चलो सारथी। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। रथ संभालने वाली दो बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं केकेई नरेश की पुत्री केकेई हूं महाराज। केकेई नरेश ने तुम्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति कैसे दी? मैंने अनुमति मांगी ही नहीं। जब मैंने सुना कि अयोध्या नरेश दशरथ मेरे पिताश्री की सहायता के लिए आ रहे हैं, तो मैंने भी निर्णय कर लिया कि ऐसे पड़ोसी का धर्म निभाने वाले की सेवा मैं अवश्य करूंगी। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सारथी पाकर मैं धन्य हो गया। जीत गया मन सारथी, हुआ ये कैसा मेल? इसमें विधना ने भला खेला कैसा खेल? केकेई ने कर दिया वचन साकार, जहां है ऐसी नारियां होगी वहां ना।